हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप? मैं आपका फ्रेंड आपके लिए लाया हूँ फिर से एक नया एचपी का मॉडल जो एमडी राइजन 3 प्रोसेसर के साथ आ रहा है। आज मैं आपको इस लैपटॉप के बारे में बताने वाला हूँ, इसका स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ और इसका फर्स्ट लुक भी आपको दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसका देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर, जैसे कि आप देख रहे हो HP 15S EQ2212 AU करके। ये अभी एक जस्ट नया ही लॉन्च किया हुआ है। नया इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो जितने भी AMD के प्रोसेसर आते थे, Ryzen प्रोसेसर आते थे, वो सब Ryzen 3000 सीरीज से चालू होते थे, 3000 उसके बाद 3500 सीरीज से चालू हुआ। अभी एक देखने जाएंगे लेटेस्ट में तो Ryzen 5300 U प्रोसेसर। ये प्रोसेसर पवेलियन सीरीज के जो भी है 50 अबव लैपटॉप जो थे उनमें आता था। फर्स्ट टाइम ये मॉडल में AMD Ryzen 3 5300U करके प्रोसेसर दिया है। तो सो गाइस, मैंने आपके लिए इस लैपटॉप का अनबॉक्सिंग करने का सोचा हूँ और आपको इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। सो गाइस, इसका मॉडल नंबर तो बताओ, इसका प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ तो इसका प्रोसेसर आप देखने जाओगे AMD Ryzen 3 5300U करके प्रोसेसर है। इसमें आप देखो जाओगे तो इसमें 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स आते हैं 3.8 GHz के साथ। देन इसमें देखना स्टोरेज 512 GB SSD दिया हुआ है। आप इसको अपग्रेड करके 1 TB तक भी कर सकते हो, हालांकि उसको निकालना पड़ेगा, उसके बाद 1 TB का अपग्रेड करना पड़ेगा। देन इसमें 8 GB का रैम आया हुआ है 3200 MHz के साथ। आप इसको 16 तक अपग्रेड भी कर सकते हो। उसके बाद देखने जाएंगे इसमें विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है, 15.6 फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आया है 250 Nits के, और इस बहुत ही क्लियरिटी भी अच्छी रहेगी इसकी। हालांकि फुल HD डिस्प्ले भी है और ब्राइटनेस भी अच्छा है इसका, और बैटरी बैकअप वगैरह सही है इसमें। तो बेसिक सीरीज का लैपटॉप है इसलिए ज़्यादा कुछ इसमें एडवांस फीचर्स नहीं दिया। स्पेसिफिकेशन वाइज देखेंगे तो ऑलमोस्ट लैपटॉप में सेम ही आते हैं, खाली प्रोसेसर, ग्राफिक्स और इधर बॉडी स्ट्रक्चर यही चेंज होते हैं। सो गाइज, मैं अभी आपको इसका अनबॉक्सिंग करके डेमो दिखाने वाला हूँ, चलो शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी मैंने लैपटॉप को जस्ट बॉक्स से निकाला हूँ। जैसे देख सकते हो आप, बॉक्स के अंदर आपको मिलने वाला है एक लैपटॉप, लैपटॉप के बाद आपको एक मिलने वाला है 65 वैट का एडाप्टर जो आपको 4.5 ब्लू पिन के साथ आता है, और एक ओरिजिनल HP का एक पावर केबल आता है, ठीक है। सो गाइस, अभी हम जस्ट लैपटॉप ओपन करते हैं। आप देख सकते हो लैपटॉप, ये ब्लैक पेपर मैंने बाद में निकाला। आप इसका लुक देख सकते हो, बहुत ही प्रीमियम लुक दिखता है। हालांकि इसका बॉडी देखने जाएंगे तो फाइबर है, लेकिन मेटलिक फिनिश के साथ दिया हुआ है, आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा दिखने में ये लैपटॉप। उसका ट्रैक पैड और जो डिजाइन दिया है वो भी बहुत ही प्रीमियम दिख रही है, ये देख सकते हो। तो गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे एंटी ग्लेयर डिस्प्ले जो दिया है, मैं अभी ओपन भी करने वाला हूँ, देन आपको थोड़ा सा लैपटॉप के बारे में दिखाने वाला हूँ। इसका आप कीबोर्ड वगैरह देखोगे ना, बहुत ही स्मूथ प्रेस वाला है। देन ये विदाउट बैकलिट कीबोर्ड आता है बिकॉज ऑफ ए बेसिक मॉडल है Ryzen 3 का। सो बट उसका बहुत ही प्रीमियम आपको फील आने वाला है
टाइपिंग के दौरान। सर आपका आप उसका ट्रैक पैड देख सकते हो, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो एमएस ऑफिस 2021 लाइसेंस आता है इसके अंदर, इसलिए इसका ब्रांडिंग का स्टिकर दिया है। राइजन 5000 सीरीज का राइजन 3 का प्रोसेसर एंड एमडी रिडन जो ऑनबोर्ड ग्राफिक्स आता है उसका भी। और स्पीकर व्हील की ग्रिल की बात करेंगे तो ऊपर के साइड में दिए है। इसका स्पीकर क्वालिटी भी बहुत बढ़िया और लाउड है, इसलिए आपको कुछ भी मूवी या एंटरटेनमेंट का कुछ भी रहेगा तो भी आप उसका मज़ा ले सकते हो। तो गाइस अभी मैं आपको लैपटॉप के अदर पोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ। आप लैपटॉप का लुक देखेंगे, इस साइड में बहुत ही प्रीमियम दिखता है मैटे फिनिश के साथ, उसी तरह से आपको पीछे की साइड भी लुक मिलने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा ग्रिल भी दिया हुआ है यहाँ से, जबकि वेंटिलेशन के लिए ये जगह दी है। अभी इस साइड में देखने जाएंगे यहाँ पे तो चार्जिंग सर्किट दिया है, यहाँ पे आप चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे चार्जर लगा सकते हो। दो यूएसबी पोर्ट दिया है सुपर स्पीड। देन इस साइड में अगर देखने जाओगे तो आपको एक टाइप सी पोर्ट और एक एचडीएमआई पोर्ट दिया हुआ है। एंड यहाँ पे आपको 3.5 mm ऑडियो जैक दिया है और ये एसडी कार्ड स्लॉट। तो बहुत ज़्यादा कुछ फीचर्स स्लॉट वगैरह दिया नहीं, लेकिन जो आपको डेली यूज में जो लगते हैं वो फीचर्स और स्लॉट्स तो इसके अंदर दिया हुआ है। अभी दूसरी बात करेंगे इसको लैपटॉप के हिंज जो ब्रेक होते हैं, बहुत लोगों की कंप्लेंट आती थी हिंज ब्रेक होते हैं करके, इसलिए एचपी ने उसी बात को नज़र में लाते हुए समय इसमें आपको सिंगल रॉड हिंज दिया हुआ है। इसका एक फायदा होता है कि आप जब भी लैपटॉप को ओपन करोगे ना तो 50-50% इसके ऊपर प्रेशर आता है दोनों साइड में, तो आपके जो हिंजेस और बॉडी क्रैक होने के आफ्टर 1-2 ईयर्स के बाद जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये मॉडल की सीरीज देखने जाओगे तो बॉडी स्ट्रक्चर बहुत 2-4 साल हो गए जबकि बार बार यही मॉडल आती है बॉडी में भी, लेकिन ज़्यादातर बॉडी का प्रॉब्लम नहीं आता। इसी बात पे ये मॉडल कंटिन्यू हो चुकी है बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। और लैपटॉप को बहुत ही स्लिम किया, इसका वेट देखने जाएंगे तो 1.7 केजी वेट है ओनली, बहुत ही हल्का लग रहा है। ये एक्चुअली टफ फाइबर बॉडी बोल सकते हैं इसको, टफ फाइबर बॉडी है इसकी जो प्लास्टिक का भी उससे भी मजबूत होती है। जैसे देखने जाएंगे इसको कैमरा दिया हुआ है, दो ड्यूअल माइक भी दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो। इसको आपको एक क्रोम लोगो दिया है एचपी का, आप देख सकते हो बहुत ही प्रीमियम दिखता है इसकी वजह से लैपटॉप। और इसका प्राइस अगर देखने जाते हैं ना सर, तो आपको इसका प्राइस एक 40,000-41,000 के अंदर ये लैपटॉप मिलने वाला है, जिससे आप ऑफिशियली यूज जो भी रहेगा घर का जो भी टाइप का टाइपिंग इंटरनेट प्रोवाइड करोगे, आप इंटरनेट से कुछ काम करोगे, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एमएस ऑफिस से जो भी काम करोगे, कुछ सर्च करोगे, तो इसके लिए बेसिक काम के लिए बहुत ही तगड़ा लैपटॉप है। और इस प्राइस में आपको सब काम हो सकता है। एडिशनल आप इसमें कुछ एडिशनल रैम अगर कुछ बढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मतलब एसएसडी भी है, इसलिए स्पीड आपको रियल में बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो सो गाइस मैंने अभी आपको ये लैपटॉप का फर्स्ट लुक भी दिखा दिया, अनबॉक्सिंग भी दिखा दिया। इसी तरह आपको बेसिक लैपटॉप से लेके हायर लैपटॉप के लिए वीडियो बनाता रहूँगा, और आप भी सजेस्ट कर लीजिए कमेंट बॉक्स में आपको किस तरह से लैपटॉप की वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊँगा। अभी जैसे देखने जाएंगे लैपटॉप की कुछ ऑफर भी एचपी की तरफ से है, आप एचपी के पोर्टल पे जाके चेक भी कर सकते हैं, एचपी नियर बाय स्टोर में जाके भी देख सकते हो। सो गाइस आपने मेरे पिछले वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दिया है, लाइक व्यूज बहुत अच्छे मिले हैं, कमेंट किया, मैंने भी हर कमेंट को रिप्लाई किया है। इसी तरह इस वीडियो को भी आप लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और ऐसे ही आपका प्यार देते रहिए मेरे वीडियोज के लिए। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू, थैंक यू।